अर्थप्रकाश की टीम ने सफ़ेदों के गांव सिंघाना का दौरा किया। सिंघाना गांव में गंदगी बहुत है, वहां पर लोगों की समस्याओं को लेकर गांव के लोगों से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने पानी की निकासी न होने पर हमारे संवाददाताओं को बताया कि इस गंदगी के कारण डेंगू की समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे कि बच्चों और बुजुर्गों को बुखार की समस्याएं हो रही हैं। इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ पर ये गंदगी फैली हुई है और गंदगी की वजह से मतलब डेंगू का और बुखार ये काफ़ी समस्या हो रही है। बच्चों को बुखार, बड़ों को, बुजुर्गों को, ये हमारे ताऊ जी खड़े हैं, इनको भी डेंगू आया था, अभी ठीक होके आए हैं ये। तो सामने बिल्कुल गंदगी पड़ी है, बिल्कुल जमा बुरा हाल हुआ है। नाम क्या है गांव का? गांव का सिंघाना। और कोई समस्या? समस्या तो बस यही है, मेन पानी की निकासी और मैले गंदगी है ज्यादा रोड के ऊपर। कब से है ये? इसको तो कई साल हो गए। कितने? 4-5 साल हो गए। कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई तो मैले प्रशासन ने करना काम। आपने कहीं शिकायत की है? नहीं, हमने कहीं शिकायत। मैं आपको क्या बोलूं, यहाँ पे लोगों के खुरपियों के खत्ते भी है जिनमें उनका राइट बनता है अपने पशुओं को गोबर डालने के लिए, और पंचायत ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उन लोगों को अल्टीमेटम दिया था कि आप इसे जल्दी से उठाएं ताकि गांव में सफाई रखी जा सके। किसान हैं, उन लोगों की भी कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ मजबूरियां हैं। उन लोगों ने आश्वासन दिया था अभी खेतों में फसलें कटी हैं, जैसे ही धान की फसल कट जाएगी हमारे खेत खाली होंगे, हम इस गोबर को उठा के अपने खेतों में डाल लेंगे। अभी जैसे आपको पता है गोबर फसलें कटने लग रही हैं, जैसे ही खेत खाली होंगे वो लोग अपने खेतों में से डाल लेंगे और इसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करेंगे। गांव वालों ने प्रशासन से मांग की है कि इन समस्याओं की और विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। गांव वालों का कहना है कि पानी की समस्या 3-4 साल से है और पानी की निकासी पर भी ध्यान दिया जाए। गांव वाले लोग परेशान हैं। सरपंच सुरेश राणा और बसंत राणा, सतीश, सुनील, रांजू, संजय, विजय, रिंकू, सुरेश आदि। अर्थप्रकाश टीवी के लिए सफ़ेदों से अभिषेक दीवान की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अर्थप्रकाश वेब टीवी।